फॉर्म एलिमेंट कंप्लीट हो गए थे लास्ट अपने? ठीक है, तो हम लोगों ने इनपुट के टाइप स्टार्ट किए थे। सो एचटीएमएल में इनपुट टाइप्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट वगैरह पुट करा सकते हो। पासवर्ड, इसके लिए आपको सिर्फ टाइप चेंज करना है और जो भी आप डेटा लिखेंगे वो आपका कॉन्फिडेंशियल होगा, और ये आपका सर्कुलर फॉर्म में या फिर स्ट्रिक्ट फॉर्म में डिस्प्ले होता है जनरली, ठीक है। तो अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। सो जैसे हमने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड का डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इनपुट टाइप सबमिट। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर टाइप सबमिट। और ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है सबमिट के साथ। और अगर आप सबमिट नहीं भी लिखते हैं, ओनली टाइप सबमिट डिफाइन करते हैं, वैल्यू सबमिट अगर आप नहीं लिखते हैं, तब भी आपका बाय डिफॉल्ट सबमिट का बटन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट का काम बेसिकली होता है कि अगर आपने फॉर्म के अंदर कुछ भी डेटा लिखा है तो उसको वो प्रीवियस डिफॉल्ट पोजीशन पर ले आएगा, जहाँ पर वो पहले था। सो इफ़ यू चेंज द इनपुट वैल्यू एंड देन क्लिक ऑन रीसेट बटन, द फॉर्म डेटा विल बी रीसेट टू द डिफॉल्ट वैल्यू। इनपुट टाइप रेडियो, जिसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक सिंगल ऑप्शन चूज करते हैं। सो जैसे कि HTML, CSS, JavaScript, यूजर कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, है ना। फिर यहाँ पे आपके चेकबॉक्सेस, जिसमें यूज़र या तो एक भी नहीं या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाइक, कार, बोट, यूज़र कैन सेलेक्ट मल्टीपल, है ना। और जो भी आप वैल्यू चूज़ करके सबमिट करेंगे उसका डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। व्हीकल वन में यूज़र ने क्या चूज़ किया, बाइक। अगर मान लो उसने बाइक, कार, बोट तीनों चूज़ किया है, तो आपको व्हीकल वन की वैल्यू बाइक, टू की वैल्यू कार, थ्री की वैल्यू बोट। नेक्स्ट है इनपुट टाइप बटन। तो इसमें हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट का एरर वगैरह अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको हमें फॉर्म टैग में डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, या फिर जैसे हम लोग एक अलग फाइल में देख रहे हैं। मैसेज कुछ भी हो सकता है, जब JS पढ़ेंगे तब देखेंगे। इनपुट टाइप कलर, इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप कलर डिफाइन करना है, और जब आप ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है। और कलर जो भी आप यहाँ से देखते हैं, आपने मान लीजिए कोई कलर चूज़ किया है और आप अगर इसको सबमिट करेंगे तो उस कलर की वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी होगी एक्स में कि क्या आपने सबमिट किया है। इनपुट टाइप डेट, इसके लिए आपको सिर्फ डेट लिखना है, और इसकी हेल्प से आप यहाँ पर कैलेंडर देखते हैं, और जब आप सबमिट करेंगे तो आपको वो डेट पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा। इसी तरह से इसमें एक और ऑप्शन मिलता है मिनिमम और मैक्सिमम वाला, कि भाई हम चाहते हैं कि एंटर अ डेट बिफोर 1980, ठीक है, और एंटर अ डेट आफ्टर 2000। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस एग्ज़ाम्पल में मेरा जो कैलेंडर है वो 2024 से लेके कहाँ तक पीछे जाता है, 2000 तक, ठीक है। और इस वाले में अगर आप देखेंगे तो 1980 के बाद हमारा कैलेंडर डिसेबल है, यानी कि 31 दिसंबर 1979 से लेके पीछे पीछे काम करेगा, उसके आगे काम नहीं करेगा। तो क्या लिखा रहा है, एंटर डेट बिफोर 1980, ये क्या आफ्टर 2001, तो 2000 से पीछे आपका कैलेंडर नहीं जाएगा। तो हम लोग ये कंट्रोल लगा सकते हैं इसके अंदर बिफोर आफ्टर। तो ये कैसे पॉसिबल है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है मैक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है मिन। नेक्स्ट है डेट टाइम लोकल। तो इसके लिए आपको डेट टाइम लोकल लिखना होता है यहाँ पर। जैसे आप इसको लिख के रन करेंगे तो आपको डेट के साथ में टाइम भी डिस्प्ले होगा। जनरली आधार की वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको इसी फॉर्म में डेटा दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पर यूआरएल में ऊपर आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आपका इनपुट टाइप ईमेल, तो इसमें सिर्फ आप मेल को ही पुट कर सकते हो। ये आपका इमेज, यहाँ पर आप सबमिट के बटन पर अपनी इमेज लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका इनपुट टाइप फाइल, जहाँ से आप फाइल वगैरह चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम एक फाइल को चूज कर सकते हैं, मल्टीपल चूज करने के लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट हमें लगाना होता है। ये होता है इनपुट टाइप हिडन। हिडन में क्या होगा कि आपको यहाँ पर हिडन लिखना है, लेकिन हिडन का ध्यान रखना है कि
अगर आप हिडन पे कोई वैल्यू लिखते हो तो आपकी वैल्यू वो रिवील हो जाती है कोड के अंदर। यानी कि जैसे ये मेरा पेज है, अब हिडन पे अगर कोई वैल्यू लगी होगी तो कंट्रोल यू करके बंदा देख सकता है पीछे जाके। तो इसको डायनामिक के साथ हमेशा ट्राई करना है, यानी कि सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ, क्लाइंट साइड पे नहीं ट्राई करते। सर्वर साइड में डेटा जो भी होगा वो दिखेगा नहीं, सर्वर साइड पे ही प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जनरली हम लोग डेवलपमेंट वगैरह में, मुझे ऐसे कि लग रहा हम लोग ये पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, हो गया ना सब ये? हाँ हो गया ये सब, टाइप मंथ नंबर, ठीक है ये सब चीज़ हमारी हो गई है। टाइप नंबर और टाइप मंथ, मंथ में आप जाओगे तो मंथ आप सेलेक्ट कर पाएंगे कौन सा मंथ चल रहा है, जैसे कि सितंबर, और आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे 9/2024। और अगर हम लोग यहाँ पर नंबर में आते हैं तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ नंबर पुट कर सकते हैं, तो 1 से लेके 5 तक मैक्सिमम और लोएस्ट, इसके बीच में आपका नंबर वर्क करेगा। अच्छा आपके साथ ही है? यस सर। चारू भी है क्या ऑनलाइन? नहीं है। सो इनपुट में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि चेक्ड, डिसेबल्ड, मैक्स, मैक्स लेंथ, मिन, पैटर्न, रीड ओनली, रिक्वायर्ड साइज, स्टेप एंड वैल्यू। ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। डिस्क्रिप्शंस क्या है? चेक्ड अगर हमने लिखा है, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी प्री सेलेक्टेड व्हेन द पेज लोड्स फॉर टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स और टाइप इक्वल टू रेडियो। तो चेक्ड उन दो जगह पर काम करेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्म इनपुट टाइप्स की अगर बात करें, और अगर हमने कहीं पर चेक्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर, तो ये देखेंगे हम लोग इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ये है रेडियो। अब हम लोग रेडियो वाली फाइल में किसी पर आके, जैसे मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल मेरा चेक्ड आए, अब क्या होगा कि अगर आप रेडियो में जाएंगे और अपने एग्जांपल को ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट चेक आ रहा है इस तरह से, ये चेक का एग्जांपल बनता है। तो इस तरह से ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, जो हमारे बेसिकली इनपुट के साथ में यूज़ में आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा मिन का भी देख लिया हमने, मैक्स का भी देख लिया, और आगे देखो चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर क्या क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में क्या है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, स्टेप 10। इसका मतलब आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 30 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, वैल्यू इज़ डिफ़ॉल्ट 30। तो अगर आप घटाओगे तो 10 के वैल्यू में घटेगा, 0 लोएस्ट है, और 10 के उसमें इंक्रीज होगा तो 100 पे जाके बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर रोल समझ में आया, ये जो भी हमने देखा मिन मैक्स, ठीक है, तो मिन और मैक्स, और हमने देखा यहाँ पर स्टेप 10-10 में जंप करेगा, ठीक है, और वैल्यू इज 30 इस तरह से। फिर क्या है, इनपुट टाइप रेंज, रेंज हम लोगों ने देखा था जो बेसिकली कुछ इस तरह से वर्क करता है आपका, है ना, और जो भी रेंज करके आप सबमिट करोगे, वॉल्यूम जैसे 20, हमने फील्ड का नेम कुछ ऐसे ही रखा हुआ है कि नेम क्या है, वॉल्यूम मिनिमम 0, मैक्सिमम 50, इस तरह से करके हमने बनाया हुआ है। क्या है इनपुट टाइप सर्च, तो गूगल सर्च में आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका कि भाई अगर आप यहाँ से कुछ लिखते हो और जब आप क्लिक करते हो तो वो सर्च हो जाता है डेटा हमारा, लेकिन यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट से ना बना के हमने इनपुट टाइप सर्च से इसको बनाया, ठीक है। तो सर्च के केस में क्या होता है, क्रॉस का बटन आता है इस तरह से बना हुआ। फिर क्या इनपुट टाइप टेल, टेल मतलब टेलीफोन नंबर अगर आपने यूज़र का कैप्चर करना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे पैटर्न, अभी ऊपर जो टेबल गई है उसमें आपने पैटर्न देखा, पैटर्न का काम क्या है कि भाई मान लीजिए यूज़र कुछ डेटा अगर मुझे भेज रहा है, कोई फ़ोन नंबर भेज रहा है, तो फ़ोन नंबर किस फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ जाते हैं तो यहाँ देखें आप पैटर्न बना हुआ है कि यूज़र 4-2-4 के फॉर्म में भेज सकता है, लेकिन बीच में डैश होना चाहिए। अब मान लो कि उसने गलत भेजा तो क्या लिखा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया तो बोलता है कि प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अब मैं अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ 9911-01-31-01-78, देखो वैलिड हो गया, सबमिट करूँगा देखो डेटा ऊपर आ जाएगा। तो ये हुआ पैटर्न। तो पैटर्न कैसे काम करते हैं, 0 से 9 4 की लेंथ, फिर डैश, फिर 0 से 9 2 की लेंथ, फिर डैश, फिर 0 से 9 4 की लेंथ। फिर क्या है इनपुट टाइप टाइम, इसके लिए आपको ओनली टाइम लिखना है। तो जैसे नेम हमने रखा अपॉइंटमेंट, तो यूज़र यहाँ से सेलेक्ट करेगा, यहाँ से जाकर अपॉइंटमेंट चूज़ करेगा भाई किस टाइम की अपॉइंटमेंट लेनी है, और यहाँ से सबमिट करेगा, और टाइम ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और क्या मिलता है हमें इसके अंदर,
यूआरएल, आप यूज़र का यूआरएल कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे यूआरएल अगर कोई यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिखेगा और सबमिट करेगा तो इनवैलिड हो जाए जब तक वो सही से ना हो। अब जैसे google.com है, अगर सबमिट करेगा तो देखो सबमिट हो जाएगा आगे ऊपर, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट फिर क्या है, इनपुट टाइप वीक, वीक में जो भी हमारा मंथ का वीक चला है वो आपको वीक यहाँ पर दिखाई देगा। प्लस आप चाहो तो कोई नेक्स्ट वीक भी चूज़ कर सकते हो, चेंज हो रहा है, सबमिट करेंगे तो डेटा सबमिट होगा। तो क्या लिखा रहा है, वीक इक्वल टू 2024 और W40, वीक 40 है, ठीक है। तो ये है आपके जितने भी इनपुट के टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे टाइप्स इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ से टाइप के बाद में इनपुट के एट्रीब्यूट्स की, जो अभी हमने देखे थे नीचे। सो द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड, लाइक जिसमें लिखा वैल्यू अरिना, वैल्यू एनिमेशन, यानी कि बाय डिफॉल्ट फील्ड में ये लिखा आएगा। और अगर डिफॉल्ट सबमिट कर दिया तो देखो एफ नेम अरिना, लास्ट नेम एनिमेशन हमें डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा क्या होता है, रीड ओनली, रीड ओनली के केस में आपको सिर्फ रीड ओनली ऐसे लिख देना है जिसके अंदर हमने ये बना भी रखा है रीड ओनली के अंदर ही। तो आप जैसे यहाँ से रन करोगे तो देखो नीचे वाला देखो मैटर मेरा एडिटेबल है, ऊपर वाला मेरा एडिटेबल नहीं है, ये सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है। लेकिन रीड ओनली का मैटर भी सबमिट होता है, हो रहा है ना सबमिट। तीसरा ऑप्शन क्या था, डिसेबल। सो द रीड ऑन द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, अ रीड ओनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, हाउएवर अ यूजर कैन टैप टू इट, हाईलाइट इट एंड कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम इट। द वैल्यू ऑफ अ रीड ओनली इनपुट फील्ड विल बी सेंड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। डिसेबल की बात करते हैं, द इनपुट डिसेबल्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, अ डिसेबल्ड इनपुट फील्ड इज यूजेबल एंड अनक्लिकेबल, द वैल्यू ऑफ डिसेबल्ड इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। तो जैसे हम लोग यहाँ से अगर इस फॉर्म में देखें, हमने डिसेबल लगाए हुए, अब अगर अपन यहाँ से अगर डेटा सबमिट करते हैं तो एनिमेशन का जाएगा, उसका नहीं जाएगा, है ना, ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट साइज एट्रीब्यूट, द इनपुट साइज एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट फील्ड की जो साइज होती है वो 20 होती है, 20 कैरेक्टर डिस्प्ले होते हैं। द इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ इन कैरेक्टर ऑफ एन इनपुट फील्ड, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ साइज इज 20। नोट द साइज एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स, टेक्स्ट, सर्च, टेल, यूआरएल, ईमेल एंड पासवर्ड। मैंने एग्जांपल लिखा है, जितने हमने इनपुट पढ़े पिछली क्लास पिछली फाइल में सब पे चलता है, समझ गए। तो जैसे पिन कोड जो होता है वो 4 डिजिट का हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, या जैसे जिप कोड होता है 6 डिजिट का होता है। तो हम यहाँ पर एक बना रहे हैं फील्ड, हमने लिखा साइज 4, तो देखो 4 कैरेक्टर की विड्थ आ गई इस तरह से। अब यहाँ पर लेकिन हम लिख ज़्यादा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी में एक एट्रीब्यूट आता है मैक्स लेंथ, हमने पढ़ा था स्टेबल मैक्स लेंथ वाला, नहीं याद आ रहा, दोबारा दिखा देता हूँ। ये सारे एट्रीब्यूट अब आप मैच कर सकते हो, अपने नीचे हमने एक टेबल देखी थी उसमें क्या था, यहाँ पर एक मैक्स लेंथ भी था लिखा हुआ, इफ़ यू नोटिस और नॉट। सो मैक्स लेंथ का काम क्या है इस फाइल में समझ में आएगा, हमने लिखा कि भाई साइज 4 है तो लेंथ भी 4 की आएगी। अब जब आप यहाँ से इसको रन करेंगे तो देखो पिन कोड 1 2 3 4 इसको ऊपर नहीं चलेगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने लिखा और सबमिट किया डेटा, देखो सबमिट हो जाएगा। पिन क्या है 1 2 3 4, नेम क्या है अभिषेक, समझ आया। तो ये था इसका, हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चीज़ें चल रही है। इसके बाद क्या है, मिन और मैक्स, ऑलरेडी आप देख चुके हो डेट के साथ, हमने यहाँ पर भी ट्राई किया मिन और मैक्स को। तो आप यहाँ से जाके चलाएंगे तो देखो बिफोर, ठीक है, तो 1980 से पहले का, आफ्टर, तो अगर आप पीछे जाते हो यहाँ से तो 2000 से पहले नहीं जा सकते, आफ्टर 2000 का ही डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्या, क्वांटिटी बिटवीन 1 और 5, तो लोएस्ट पे जाओगे तो 1, मैक्स में जाओगे 5, उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो ये क्या है, मिन मैक्स और सारी चीज़ें। तो ये था द इनपुट मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑफ एन इनपुट फील्ड। द मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स, नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम, लोकल, मंथ, टाइम एंड वीक। टिप, यूज द मैक्स एंड मिनिमम एट्रीब्यूट टुगेदर टू क्रिएट अ रेंज ऑफ लीगल वैल्यू, ठीक है, कि भाई यूज़र इस रेंज से इस रेंज के बीच में जा सकता है, तो मिन और मैक्स दोनों लगाओ। फिर क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट, द इनपुट मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज
दैट द यूज़र इज़ अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन वन इनपुट फील्ड. द मल्टीपल एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप लाइक ईमेल और फाइल. सो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो अभी हम लोगों ने अपलोड करने वाला देखा था तो एक ही फाइल सेलेक्ट हो रही थी. अब आप कंट्रोल ए करके सारी सेलेक्ट कर सकते हो. तो या तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करो एक से ज़्यादा, या फिर आप शिफ्ट के साथ कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करनी सबको एक साथ पकड़ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू सेलेक्ट मल्टीपल फाइल होल्ड डाउन द कंट्रोल और शिफ्ट की वाइल सेलेक्टिंग. फिर क्या है पैटर्न. पैटर्न अभी हमने फ़ोन नंबर के साथ देखा, अब हम लोग टेक्स्ट के साथ देखेंगे. द इनपुट पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट फील्ड्स वैल्यू इज चेक्ड अगेंस्ट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड. द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स लाइक टैक्स डेट सर्च URL टेलीफोन ईमेल एंड पासवर्ड. टिप, यूज द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू डिस्क्राइब द पैटर्न टू हेल्प द यूजर. सो एन इनपुट फील्ड दैट कैन कंटेन ओनली 3 letters नो नंबर्स और स्पेशल करेक्टर. तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, कंट्री कोड लिखो, या तो अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो. तो A to Z अब कैपिटल, A to Z स्मॉल, लेंथ कितना लिखा है 3. तो जैसे हम यहाँ पर अपना कुछ लिखते हैं सबमिट करते हैं तो ये ब्लैंक सबमिट हो रहा है, इस पर हम लोग रिक्वायर्ड की कोडिंग और लगा देंगे. यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे पैटर्न. ये अपना पैटर्न एट्रीब्यूट आ गया. फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पर जाकर हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड. अब इस फाइल को ब्राउजर में टेस्ट करो, रिफ्रेश कर लीजिएगा पहले. लग गया. अब यहाँ पर आप कुछ गलत लिखो, ठीक है, 1 2 3 4. तो क्या होता है, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट. मैंने लिखा यहाँ पर IND, एक्सेप्ट कर लिया. फिर कुछ गलत लिखो, सबमिट करो, फिर लिखो स्मॉल में IND. तो 3 की लेंथ का ये बेसिकली एक्सेप्ट करता है मिनिमम. तो ये हुआ हमारा पैटर्न. तो यानी कि हमने लिखा A to Z कैपिटल या A to Z स्मॉल और 3 की लेंथ. तो 3 letters कंट्री कोड शुड बी हेयर. तो जब आप यहाँ से रन करेंगे तो ये ऐसा आएगा, कुछ गलत लिखेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा 3 letter कंट्री कोड इस तरह से. नेक्स्ट क्या हमारे पास, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट. द इमेज प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ शॉर्ट हिंट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड, अ सैम्पल वैल्यू और अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट. अ शॉर्ट हिंट इज डिस्प्लेड इन द इनपुट फील्ड बिफोर द यूजर एंटर्स अ वैल्यू. द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स टेक्स्ट सर्च URL नंबर टेल ईमेल एंड पासवर्ड. सो हम जैसे यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे हैं, भी यूज़र को बता रहे हैं कि डेटा जो आपने लिखना है वो इस तरह से लिखना है, तभी फ़ोन नंबर जो है वो सबमिट होगा आपका. तो दिस इज़ अ प्लेस होल्डर. बात करेंगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो अभी हमने ट्राई किया था. तो द इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म. अगर फॉर्म्स में यूज़र ने डेटा नहीं लिखा, ब्लैंक पर सबमिट करो, सबमिट हो जाएगा. लेकिन हम चाहते हैं खाली सबमिट ना हो, तो हमने क्या लिख देना है, रिक्वायर्ड. तो अब आप यहाँ पर जैसे इसको सबमिट करने जाएंगे तो लिखाएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, और जैसे आप इसको फिल कर देंगे डेटा देखो सबमिट हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, स्टेप एट्रीब्यूट. स्टेप भी हम लोग देख चुके थे. स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट फील्ड. एग्जाम्पल, इफ स्टेप 3 लीगल नंबर कुड बी -3 0 3 6 9 12. ठीक है, दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज टुगेदर विद द मैक्स और मिन एट्रीब्यूट्स टू क्रिएट अ रेंज ऑफ लीगल वैल्यू. जैसे भी मैंने 10 का जम करके दिखाया था वाली चीज़. द स्टेप एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट नंबर्स, नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम, लोकल, मंथ एंड टाइम एंड वीक. तो जैसे हम लोग यहाँ पर 3 का जम्प लगा रहे हैं इसके अंदर, आप जैसे रन करेंगे तो पॉइंट देखेंगे 3 6 9 और नेगेटिव जाएंगे तो 0 पर जाके फिर -3 -6 -9 ऐसे चल जाएगा. तभी हमने खाली इसमें सिर्फ स्टेप लगाया. अगर आप मिन और मैक्स लगा दें 0 से नीचे नहीं जाएगा, मैक्स लगा दो तो ऊपर नहीं जाएगा, ये है ना. सो इनपुट रिस्ट्रिक्शन आर नॉट फुल प्रूफ एंड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स मैनी वेज टू ऐड इलीगल इनपुट टू सेफली रिस्ट्रिक्ट इनपुट. इफ मस्ट इट मस्ट ऑल्सो बी चेकड बाई द रिसीवर द सर्वर. यानी कि जब PHP सीख जाओगे तो आप चेक कर पाओगे और अच्छे से इस चीज़ को. बात करेंगे ऑटो फोकस एट्रीब्यूट. The input autofocus attribute specifies that an input field should automatically get focus when the page load. अब जैसे अगर हम लोग इस example की बात करते हैं, देखो field पे कोई focus नहीं है,
मतलब ये फोकस हुआ। अब मैं जब ऑटो फोकस वाला एग्जांपल रन करूँगा तो आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम में ऑटोमेटिकली फोकस आ रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हाईलाइट आ रहा है ना, दिस इज़ अ ऑटो फोकस। बात करेंगे हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। द इनपुट हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ एंड विड्थ ऑफ एन इनपुट टाइप इमेज एलिमेंट। टिप क्या है, ऑलवेज स्पेसिफाइज बोथ द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट फॉर इमेज, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब फॉर्म के अंदर देख रहे हैं क्योंकि फॉर्म के अंदर भी इनपुट टाइप इमेज दिया होता है। इफ़ हाइट एंड विड्थ आर सेट द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एन इमेज इज रिजर्व वैन द पेज इज लोडेड। विदाउट दिज एट्रीब्यूट द ब्राउजर डज नॉट नो द साइज ऑफ द इमेज एंड कैन नॉट रिजर्व द अप्रोप्रिएट स्पेस टू इट। द इफेक्ट विल बी दैट द पेज लेआउट विल चेंज ड्यूरिंग लोडिंग वाइल द इमेज लोड। सो क्या करें, जब भी आप इमेज अपनी डालें तो उसके साथ में विड्थ और हाइट उसकी लिख के ज़रूर से डालें। तो क्या होगा, जब ऑनलाइन अगर मान लो नेट आपका स्लो हो गया तो ये एरिया खाली रखेगा ना, ये नहीं कि नोट जो है वो ऊपर आ जाएगा चढ़ के। अगर नहीं डालोगे तो नोट इसकी जगह पर आएगा, फिर एकदम से झटके से मिल जाएगा, पूरा यूआई हिलेगा, तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर क्या है, लिस्ट एट्रीब्यूट। द इनपुट लिस्ट एट्रीब्यूट रेफर्स टू द टू अ डेटा लिस्ट एलिमेंट दैट कंटेन प्री डिफाइंड वेल ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। सो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो लिस्ट की वैल्यू रखोगे वही आपने आईडी की वैल्यू रखनी है, और ऑप्शन वैल्यू लिख के चलाते जाइए, और यहाँ से जो भी आप डेटा चूज़ करेंगे सबमिट करेंगे, देखो आपका काम करेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट। ऑटो कम्प्लीट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या काम करता है। द ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कम्प्लीट और ऑन और ऑफ। सो व्हेन ऑटो कम्प्लीट इज ऑन द ब्राउजर ऑटोमेटिकली कम्प्लीट वैल्यूज बेस्ड ऑन द वैल्यूज दैट द यूजर हैज एंटर्ड बिफोर। ऑटो कम्प्लीट अलाउज द ब्राउजर टू प्रेडिक्ट द वैल्यू व्हेन अ यूजर स्टार्ट टू टाइप इन अ फील्ड। द ब्राउजर शुड डिस्प्ले ऑप्शंस टू फिल इन द फील्ड बेस्ड ऑन अर्लियर टाइप्स वैल्यूज। द ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट वर्क्स विद फॉर्म एंड द फॉलोइंग इनपुट, जैसे कि टेक्स्ट, सर्च, URL, टेल, ईमेल, पासवर्ड, डेट फिगर्स, रेंज एंड कलर, इन सभी पर ऑटो कम्प्लीट काम करता है। सो मैं ये चाहता हूँ कि ईच टाइम जब भी मेरा कोई फॉर्म सबमिट हो, यूज़र ईमेल को खुद से डाले। वैसे मैंने ऑटो कम्प्लीट बाकी चीज़ों के लिए ऑन कर दिया, लेकिन इसके लिए मैंने ऑफ कर दिया, तो ईमेल में ऑटोमेटिक ईमेल नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी आपकी। तो जैसे आप यहाँ जाके कोई डेटा पुट कर देते हैं, मैं जैसे ये सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, अभी फ़िलहाल यहाँ कोई डेटा नहीं है, सब हटाते हैं यहाँ से। सारी कुकी डिलीट। सब खत्म। ईमेल पे देखो मैंने ऑफ कर रखा तो ईमेल पे नहीं आ रहा है ना। चलो अब मैं यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री डालता हूँ, अरीना एनिमेशन। और मैं डेटा सबमिट कर दिया, देखो डेटा ऊपर आ भी गया, और यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आप इस पेज को रीओपन करिए तो देखो अरीना एनिमेशन, लेकिन ईमेल पर नहीं आ रहा। ऑटो कम्प्लीट आ गया ना अपना, लेकिन थर्ड वाले पे नहीं आया। लेकिन अगर मैं ऑफ हटा दूँ वहाँ से, ऑन कर दूँगा तो इस पर भी ईमेल अपना आप आ जाएगा। समझा ऑटो कम्प्लीट कैसे काम करता है, यानी कि एक डेटा जब किसी फॉर्म से प्रोसेस हो जाता है तो उस फॉर्म को फिर याद रखता है डेटा, ऑटोमेटिक आएगा। सो इन सम ब्राउजर्स यू मे नीड टू एक्टिवेट एन ऑटो कम्प्लीट फंक्शंस फॉर दिस टू वर्क, ठीक है। वैसे तो बाई डिफॉल्ट ऑन ही होता है, आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर ऑफ, समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट है इसके बाद में इनपुट एट्रीब्यूट के बाद में है फॉर्म एट्रीब्यूट्स। द फॉर्म एट्रीब्यूट द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म द इनपुट एलिमेंट बिलोंग टू। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इट बिलोंग्स टू। सो एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, एन इनपुट फील्ड लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द HTML फॉर्म बट स्टिल अ पार्ट ऑफ द फॉर्म।
जनरली हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारा जो टैग होते हैं एचटीएमएल के फॉर्म के, वो सब फॉर्म टैग के अंदर होने चाहिए। अब ये फॉर्म के बाहर निकल गया फील्ड, लेकिन मुझे इसको सबमिट करना है। तो आप जैसे रन एग्जांपल करेंगे और डेटा जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एफ नेम और एल नेम दोनों चीज़ आ रही हैं, काम कर रहे हैं ना, लेकिन फॉर्म टैग के बाहर है, तो ये काम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे सबने, यहाँ पर क्या लिख रखा है, एक एट्रीब्यूट फॉर्म इक्वल टू, इस फील्ड को हमने बता रखा है फॉर्म इक्वल टू, फॉर्म का नेम क्या है, फॉर्म, इसलिए ये चल रहा है। अगर मैं इससे ये हटा दूँ वैल्यू इस फाइल में जाके, तो देखो ये काम नहीं करेगा। क्या लिखा रहा है, ओनली एफ नेम। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर आपने फॉर्म के बाहर कोई फील्ड बना दिया, टैग से बाहर निकल गया, तो वो काम नहीं करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि वो काम करे, तो उसका एक ही तरीका है, फॉर्म को एक आईडी दो और वो आईडी यहाँ लाके नीचे बता दो। अब क्या होगा, जब मैं बैक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सबमिट करूँगा, देखो एफ नेम और एल नेम दोनों आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर जाके लिखा अरीना, यहाँ लिखा एनिमेशन और सबमिट किया, देखो डेटा आ गया ऊपर, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट, द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। द एट्रीब्यूट ओवरराइड्स द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप सबमिट और इमेज। आप यहाँ देखोगे मैंने लिखा है ऊपर एक्शन क्या है, http://google.com पर डेटा सबमिट होगा, लेकिन मैंने एक और अपना बनाया सबमिट एज एडमिन, लेकिन मैंने यहाँ पर देख रहे हो दूसरा यूआरएल लगा है, फॉर्म एक ही है लेकिन दो अलग अलग यूआरएल पर डेटा जा रहा है। यहाँ से किस पे गया, गूगल डॉट कॉम, यहाँ से सबमिट किया तो याहू पर आया डेटा, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो फॉर्म टैग में चलता है एक्शन एट्रीब्यूट, दोबारा ध्यान से देखो, फॉर्म टैग में क्या चलता है, एक्शन, नीचे चलता है फॉर्म एक्शन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फॉर्म के अंदर इनक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट की। तो फॉर्म इनक्रिप्ट टाइप एट्रीब्यूट क्या काम करता है, द इनपुट फॉर्म इनक्रिप्ट टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन सबमिटेड ओनली फॉर फॉर्म्स विद मेथड पोस्ट। हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे सब गेट के देखे, पोस्ट का नहीं देखा। पोस्ट कब करा सकते हैं, जब हमारे पास उस जगह पर भेजने का राइट हो, गूगल पे भेजने का आपका राइट तो है नहीं, है ना। चलो बट देखते हैं इसको, दिस एट्रीब्यूट्स ओवर राइड द इंक्रिप्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एलिमेंट। द फॉर्म इंक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप लाइक सबमिट एंड इमेज। अ फॉर्म विद टू सबमिट बटन, द फर्स्ट सेंड द फॉर्म डेटा विद डिफॉल्ट एनकोडिंग, द सेकेंड सेंड द फॉर्म डेटा एनकोडेड एज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर्म एक्शन गूगल पर डेटा जाएगा, मेथड रहेगा पोस्ट, और यहाँ पर बाकी सारे हमारे फील्ड हैं। अब हम लोग यहाँ से इस डेटा को भेज रहे हैं इस तरह से, फॉर्म इंक्रिप्शन टाइप। तो इन अगर ऊपर लिख रहे हो तो इनक्रिप्ट टाइप लिखना होता है इतना, और अगर नीचे लिखोगे तो इस तरह से लिखना होगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, ये हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसके अंदर बना हुआ है, लेकिन हमारे आउटपुट में सिंगल फील्ड ही क्यों आ रहा है, जाके चेक करिए। एक फील्ड छूट गया हमसे, अब आएगा। चलिए तो हमने यहाँ पे लिखा अरीना एनिमेशन, आप सबमिट करेंगे तो पोस्ट तुम कर नहीं सकते क्योंकि मेथड पोस्ट लगा हुआ है। सबमिट एज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, दिखेगा वैसे यहाँ भी नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास फाइल अपलोड करने का राइट नहीं हो तब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। बट ध्यान रखना कि हम मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा कब इस्तेमाल करते हैं, जब इनपुट टाइप फाइल होता है, टेक्स्ट के लिए नहीं। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। द फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइन द एचटीटीपी मेथड फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा टू द एक्शन यूआरएल।
मैथड हम पढ़ चुके हैं, गेट और पोस्ट दो मैथड होते हैं अपने। सो नोट द एट्रीब्यूट्स ओवरराइड द मैथड एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। द फॉर्म मैथड एट्रीब्यूट्स वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स लाइक सबमिट और इमेज, दोनों के ऊपर चलता है। द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज यू आर एल वेरिएबल विद मैथड गेट और एज एच टी टी पी पोस्ट ट्रांजेक्शन विद मैथड पोस्ट। नोट्स ऑन गेट, गेट का क्या काम है, अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द यू आर एल इन नेम वैल्यू पेयर्स, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और इनके अंदर क्या लिमिटेशन होती है ये भी हमें पता है ना, कि ये 2048 करेक्टर सेंड करेगा, ये अनलिमिटेड डेटा सेंड कर सकता है। पोस्ट हैज़ नो साइज लिमिटेशन। सो यहाँ पर हमने दो बटन बनाए हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा मैथड है गेट, दूसरे पर मैंने लगाया पोस्ट। चलो एक ही फॉर्म के अंदर मैं दो अलग अलग मैथड ट्राई करता हूँ, अरीना और एनिमेशन। हमने यहाँ से गेट दबाया, डेटा देखो गेट हो रहा है, पोस्ट दबाओगे तो नहीं होगा क्योंकि पोस्ट हम कर ही नहीं सकते। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसके लिए यहाँ पर आप कोड देखें, फॉर्म मेथड, यानी कि फॉर्म के ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे एक्शन है तो फॉर्म एक्शन हो जाएगा, मेथड है तो फॉर्म मेथड हो जाएगा, है ना, इनक्रिप्शन तो फॉर्म इनक्रिप्शन हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म के एट्रीब्यूट आते हैं अपने जो हम लोग ट्राई करते हैं। फिर क्या है, फॉर्म का टारगेट, तो फॉर्म टारगेट भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ऊपर हमने कोई टारगेट नहीं लिखा, लेकिन लास्ट क्लास में आपको बताया था टारगेट की भाई गूगल पे सर्च हो या यूट्यूब पे सर्च होगा तो नए पेज में रिजल्ट आएगा सर्च का। सो द इनपुट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ नेम ऑफ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट्स वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। दिस एट्रीब्यूट ओवरराइड द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। द फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स सबमिट और इमेज अगेन। अ फॉर्म डेटा विद टू सबमिट बटन्स विद डिफरेंट टारगेट विंडोज। तो एक है हमारा सेम विंडो के लिए, दूसरा हमारा ब्लैंक विंडो के लिए। चलिए ट्राई करेंगे, तो आप यहाँ से डेटा सबमिट करेंगे, सेम पेज रिप्लेस हो गया, इस पर अगर हम लोग क्लिक करें तो नया पेज खुलेगा। डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये नया पेज ओपन हुआ है, दोबारा देखो नया पेज, इसमें सेम पेज, तो हमने टारगेट का यूज़ नहीं किया है। तो आप यहाँ देखें ऊपर वाले में कोई टारगेट नहीं, दूसरे वाले में फॉर्म टारगेट ब्लैंक का यूज़ किया है। फिर क्या है, दी फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। The input form no validate attribute specifies that an input element should not be validated when submitted. Note, this attributes override the no validate attribute of the form element. The form validate attribute work with the following input types, submit. So a form with two submit buttons with and without validation. एक में validation काम करेगा, दूसरे में validation काम नहीं करेगा। चलिए try करेंगे इसको, और यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं इसको। तो ये क्या है, सबमिट विदाउट वैलिडेशन, मैंने अब जाके लिखा ये वो सबमिट, दूसरे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबमिट विदाउट वैलिडेशन। तो डेटा देखो दोनों में ही आ रहा है, लेकिन एक में क्या होगा, चेक होगा, एक में चेक नहीं होगा। बस मुझे करना क्या पड़ेगा, रिक्वायर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये उसके ऊपर काम कर जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, फॉर्म नो वैलिडेट, ठीक है, ये आपने ट्राई करना है बेसिकली, तभी आपका काम करेगा। तो मेरा कहां पर गया, फॉर्म नो वैलिडेट, नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए और नीचे आइए, ये रहा। तुमने यहां पर रिक्वायर लगा रखा है, यस। इस पेज को ज़रा चेक करिए ब्राउज़र में अगेन, सबमिट, तो देखो एक चेक कर रहा है, दूसरा विदाउट स्पीच सबमिट। तो यानी कि यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरा छूट गया है बाय मिस्टेक ना, इसको लगा दो रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी रिक्वायर्ड। अब ये सही एग्जांपल है, तो देखो ये रिक्वायर्ड जो है ये वाला चेक कर रहा है, और ये वाला क्या है, फॉर्म नो वैलिडेट, इसको बाईपास कर रहा है। हमने अभी दोबारा देखेंगे इसको, यानी कि ये कहता है खाली फॉर्म सबमिट नहीं होने देंगे, पहले डेटा दो, दूसरे वाले में क्या है बाईपास करो। एक ही फॉर्म के अंदर दो बटन है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों बटन एक ही फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है। तो नो वैलिडेट डेटा को बिना वैलिडेट किए सबमिट कर सकता है। फिर क्या, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, द नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज अ फॉर्म एट्रीब्यूट, व्हेन प्रेजेंट नो वैलिडेट स्पेसिफाइज दैट ऑल ऑफ द फॉर्म डेटा शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड।
सो यहाँ पर हमने एग्जांपल बनाया, स्पेसिफाइज द नो फॉर्म डेटा शुड बी वैलिडेटेड ऑन सबमिटेड. तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से एग्जांपल बना हुआ है, हमने लिखा है नो वैलिडेट. जब आप सबमिट करेंगे तो कोई भी वैलिडेशन आपका इसमें काम नहीं करेगा, डायरेक्टली आपका डेटा जो आप लिखोगे सबमिट होगा इसके अंदर. तो ये नो वैलिडेट एट्रीब्यूट आता है प्रॉपर ऊपर, जिसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं. तो ये था आपका फॉर्म और फॉर्म के एक एक प्रॉपर्टी जो आपके बड़े काम की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे HTML के अंदर, विच इज़ ग्राफिक. ग्राफिक के अंदर पहला टॉपिक आता है हमारा कैनवस. तो कैनवस क्या होता है HTML में? द HTML कैनवस एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज. यानी कि कैनवस टैग है, इसके साथ जावास्क्रिप्ट अगर आप मिला दोगे तो आप कैनवस के ऊपर कुछ भी बना सकते हो. द ग्राफिक टू द लेफ्ट इज क्रिएटेड विद कैनवस. इट शोज फोर एलिमेंट्स, अ रेड रेक्टेंगल, अ ग्रेडियंट रेक्टेंगल, अ मल्टी कलर रेक्टेंगल एंड मल्टी कलर टेक्स्ट, जो हमने नीचे एग्जाम्पल में बनाए हुए हैं. सो वॉट इज HTML कैनवस? द HTML कैनवस एलिमेंट इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई वाया जावास्क्रिप्ट. द कैनवस एलिमेंट इज ओनली अ कंटेनर फॉर ग्राफिक्स. यू मस्ट यूज जावास्क्रिप्ट टू एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफिक्स. कैनवस हैज सेवरल मेथड्स फॉर ड्राइंग पाथ, बॉक्स, सर्कल, टेक्स्ट एंड एडिंग इमेज. कैनवस इज सपोर्टेड बाई ऑल द मेजर वेब ब्राउजर्स. कैनवस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. कैनवस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन एन HTML पेज. बाई डिफॉल्ट अ कैनवस हैज नो बॉर्डर एंड नो कंटेंट. द मार्कअप लुक लाइक दिस. कैनवस आई डी, विड्थ, हाइट और कैनवस टैग क्लोज. Always specifies an ID attribute to your canvas, so to be referred to in a JavaScript, and a height and width attribute to define the size of the canvas. To add a border, use the style attribute, border or 1 pixel solid, जो भी color रखना है. So here is an example of a basic empty canvas. तो हमने, आप देखो यहाँ पर हमने width height के बाद में क्या लिखा है, style, और ये अपना canvas बनाया है. इसका आउटपुट क्या होगा जरा रन करके देखो. इस तरह से हमारा कैनवस बन के आ गया है. वे लाइक अ डिव ही जैसा दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन जो ये कर सकता है वो नहीं कर पाएगा. देखो ये कैनवस हमने बनाया, बनाने के बाद हमने क्या बोला, ड्रॉ अ लाइन. सो आफ्टर क्रिएटिंग द रेक्टेंगुलर कैनवस एरिया यू मस्ट एड अ जावास्क्रिप्ट टू डू द ड्रॉइंग. हेयर आर सम एग्जांपल्स. ड्रॉ अ लाइन, हमने लिखा वेरिएबल सी जावास्क्रिप्ट टैग के अंदर, और क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. कैनवास का नेम क्या है, माय कैनवास. एक वेरिएबल बनाया हमने सीटीएक्स, ये नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है. क्या लिखा, सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट टू डी. टू डी प्रीडिफाइन है. हमने लिखा सीटीएक्स डॉट मूव टू, जीरो पोजिशन से स्टार्ट हो एक्स और वाई में. सी टी एक्स लाइन टू कहाँ तक जाए, 200 और 100 तक जाएगी. जब आप इसको यहाँ पर देखोगे तो देखो इस पॉइंट से 0-0 से स्टार्ट हुआ, 200 की विड्थ और 100 की हाइट, वहाँ तक ये नीचे लाइन वाला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए बन के तैयार हो गया. तो ये जो लाइन है ये आपका कैनवस पर बना है. बट कैनवस जो होता है अगर जूम करोगे तो पिक्सलेट होता है, ये ध्यान रखना है. तो ये वैक्टर ही, लेकिन ये पिक्सलेट होगा. अगर मुझे सर्कल बनाना हो तो अगेन देखो हमने सेम वही यूज़ करा. हमने लिखा सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट टू डी. हमने लिखा यहाँ पर सी टी एक्स डॉट बिगन पाथ. हमने यहाँ पर लिखा सी टी एक्स डॉट आर्क 95, 50, 40, 02 एंड मैथ डॉट पी आई, मतलब पाई जो मैथ का ऑब्जेक्ट होता है. जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे सीखोगे तो देखोगे आप इसके थ्रू हमारा क्या बना, सर्कल. तो ये क्या वैल्यूज़ हैं, 95, 50 ऊपर से नीचे, ठीक है, और 95 हमारी एक्स से यानी कि लेफ्ट से राइट सेंटर की तरफ इस तरह से. 40 इज़ अ रेडियस जो हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है. ऐसे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो हमने लिखा 30 पिक्सल्स एरियल, ठीक है, फॉन्ट, और इसके लिखेंगे क्या, हेलो वर्ल्ड. तो आप यहाँ जाके देखोगे इसके अंदर आपका टेक्स्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है. इसी तरह से लाइन को अगर आपने स्ट्रोक देना है तो आप यहाँ से जाके लाइन को स्ट्रोक भी दे सकते हो. स्ट्रोक वाले में कुछ गड़बड़ हुई है, ज़रा जाके चेक करें, हमारी फाइल का नेम आई गेस सही से नहीं गया है.
वेयर इज स्ट्रोक, फाइंड आउट करिए स्ट्रोक, स्ट्रोक स्ट्रोक, ड्रॉ ग्रिड और ऊपर चलिए, ड्रॉ टेक्स्ट, स्ट्रोक अ टेक्स्ट। ये देखो है ना, तो टेक्स्ट सॉलिड ना आके स्ट्रोक मोड में आपको दिखाई देगा। फिर क्या, ग्रेडेंट, ग्रेडेंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ से क्रिएट ग्रेडेंट का यूज़ करेंगे। कौन सा ग्रेडेंट बनाना है, लीनियर ग्रेडेंट बनाना है। जब आप इसको प्ले करेंगे तो इस तरह से ग्रेडेंट आपको फिल होके दिखाई देगा इसके अंदर। इसी तरह से अगर आपको रेडियल ग्रेडेंट बनाना है तो यहाँ पर आपको रेडियल ग्रेडेंट का यूज़ करना है। देखेंगे यहाँ पर क्रिएट रेडियल ग्रेडेंट, भाई देखिए सर्कुलर फॉर्म में मेरा ग्रेडेंट बीच में डिस्प्ले हो रहा है। इमेज अगर आप कोई कॉल करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप अपनी इसमें इमेज भी कॉल कर सकते हैं। इमेज टू यूज़ दिस, मैं चाहता हूँ कैनवस में फिल हो जाए। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देखो इमेज यहाँ पर हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो सबके कोड यहाँ पर अवेलेबल हैं किसके थ्रू क्या काम हमने कंप्लीट करना है। अब एक तो होता है कैनवस, एक होता है SVG जिसको हम लोग जानते हैं स्केलेबल वैक्टर ग्राफिक के नाम से। इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो SVG मीन्स स्केलेबल वैक्टर ग्राफिक्स, और ये हम लोग इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है। बट इन HTML हम ये कोडिंग से भी बना सकते हैं। सो SVG डिफाइंस वैक्टर बेस्ड ग्राफिक्स इन XML विच कैन बी डायरेक्टली एम्बेड इन टू HTML पेजेस। SVG ग्राफिक्स आर स्केलेबल एंड डू नॉट लूज एनी क्वालिटी इफ दे आर जूम्ड और रिसाइज। तो जैसे कैनवस में हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ काम किया, मैं जूम करता हूँ तो ये पिक्सलेट होता है, ब्लर हो जाता है। बट SVG में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सो व्हाट इज़ SVG? SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। SVG इज़ यूज्ड टू डिफाइन वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स फॉर द वेब। SVG डिफाइन ग्राफिक्स इन XML फॉर्मेट। ईच एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट इन SVG फाइल्स कैन बी एनिमेटेड। SVG इज़ अ W3C रिकमेंडेशन। SVG इंटीग्रेट्स विद अदर स्टैंडर्ड्स सच एज CSS, DOM, XSL एंड JavaScript। सो दी SVG एलिमेंट मतलब SVG के नाम से ही टैग है, जैसे कैनवस के नाम से टैग था ना, वैसे SVG के नाम से टैग है। HTML SVG एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर SVG ग्राफिक्स। SVG हैज सेवरल मेथड्स फॉर ड्राइंग पाथ, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगन, टेक्स्ट एंड मच मोर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें SVG से कोई सर्कल बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, SVG सर्कल की विड्थ हाइट कितनी होगी, सर्कल तो CX एक्स एक्स एक्सिस, CY मतलब सर्कल का वाई एक्सिस, R मतलब रेडियस, स्ट्रोक मतलब कलर, यहाँ से स्ट्रोक की थिकनेस और यहाँ से कलर। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपका वर्क करेगा। तो हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ज़रा चेक करके आओ क्या प्रॉब्लम है। काम तो ये कर रहा है, तो यानी कि फिल येलो, तो हमारा SVG टैग वर्किंग है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा एग्जांपल ट्राई करके देखो। चलो इसको भी फिक्स करते हैं। तो फिलहाल SVG का कोड कुछ आपका इस तरह से देखने के लिए रहने वाला है ना। सो यहाँ पर एक बार जरा इस कोड की फाइल पे आइए। SVG सर्कल हमने लिखा है, SVG की विड्थ 100, हाइट 100, सर्कल CX 50, CY 50, रेडियस जो है वो अपना 40 का है, स्ट्रोक अपना ग्रीन है, स्ट्रोक विड्थ 4 है और कलर अपना येलो है, बिल्कुल सही है। और SVG अपना क्लोज हो रहा है। ज़रा इसको सर्वर से चला के देखो, देखो आउटपुट आ रहा है। ये सर्वर साइड चलता है, लोकल पे नहीं चलता है। तो जैसे मैंने सर्वर से इसको चलाया तो चल गया, वैसे नहीं चल रहा है। तो इसको देखने के लिए आपको इस तरह से इसको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखेगा ये। इसी तरह से दूसरा क्या हमारे पास, रेक्टेंगल, सर्कल के बाद में क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को चलाने के लिए आप यहाँ से रेक्टेंगल वाली फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल का आउटपुट है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, विड्थ और हाइट एक्स में 10, वाई में 10, यानी कि 10 10 का हमने लेफ्ट से टॉप से गैप छोड़ा। उसके बाद में हमने क्या लिखा यहाँ पर,
हाइट उसकी 100, विड्थ उसकी 200, स्ट्रोक है रेड, स्ट्रोक विड्थ 6 की है, फिल कलर क्या है ब्लू है। तो देखो तो कंपैरेटिवली कैनवस एसवीजी ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट सीधे सीधे हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई ये सब प्रीडिफाइंड है, जैसे सी एक्स, सो सी एक्स स्टैंड फॉर सर्कल की एक्स पोजिशन, सी वाई स्टैंड फॉर सर्कल की वाई पोजिशन, आर बोले तो रेडियस, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा चीज़ों का। फिर क्या मुझे कॉर्नर को राउंड करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राउंड एक्स राउंड वाई बॉर्डर रेडियस कितनी डालनी है, तो अगर हम लोग यहाँ से राउंडेड को अगर रन करेंगे तो आप इसके अंदर राउंडनेस एक्सपीरियंस करेंगे इस तरह से। सिमिलरली आपको अगर कोई स्टार बनाना है तो इसमें पॉलीगन्स आ जाएंगे ढेर सारे, तो जब आप इसको यहाँ से करेंगे रन स्टार वाले फाइल को, तो आप यहाँ देखेंगे एक स्टार अपना इस तरह से क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। तो कितना जूम करो देखो, पिक्सलेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो आज की डेट में वेबसाइट में जो लोगो वगैरह हम लोग लगाते हैं वो सब एसवीजी ही होते हैं। इसी तरह से ग्रेडेंट अगर आपने बनाना है तो आप यहाँ से ग्रेडेंट वाली फाइल को रन करें एसवीजी क्लोज 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 क्लोज, और यहाँ से ऊपर आइएगा ग्राफिक्स, ठीक है। तो आप देखें टेक्स्ट भी आ गया हमारे इसके अंदर और ग्रेडेंट भी हमारा इसके अंदर काम कर रहा है। कितना ही जूम कर लीजिए आप इसको, देर इज नो पिक्सलेशन अगेन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एसवीजी की हाइट 130, विड्थ 500, डिफरेंस हमने लिखा यहाँ पर लीनियर ग्रेडेंट, आईडी रखी हमने ग्रेडेंट 1, स्टॉप ऑफसेट 0, स्टॉप ऑफसेट 100, स्टार्ट होगा येलो कलर से एंड होगा रेड कलर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ ऐसे ही हमारा इसका रिजल्ट आ रहा है, येलो और रेड पर एंड। उसके बाद एलिप्स हमने बनाया सी एक्स 100, सी वाई 70, यानी कि विड्थ ज़्यादा रखी, हाइट कम रखी, रेडियस 85 का रखा है एक्स और वाई के अंदर, और यहाँ पर हमने यूआरएल में ग्रेडेंट को कॉल कर दिया। तो यूआरएल में ग्रेडेंट डालने से क्या होगा, इसके अंदर कलर फिल हो गया शेप के अंदर। इसके बाद टेक्स्ट फिल हमने किया, यहाँ पर टेक्स्ट हमें क्या लिखना है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट वाला काम हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से अब जिसके पास नहीं चलेगा, जिसका इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 होगा तो वहाँ पर क्या लिखाएगा, और ये नहीं आएगा ये लिखाएगा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट इनलाइन एसवीजी, इस तरह से। सो बात करें कि डिफरेंस क्या होता है एसवीजी में और कैनवस में। एसवीजी इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग टू डी ग्राफिक्स इन एक्सएमएल, वाइल कैनवस ड्रॉज टू डी ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। SVG is XML based, which means that every element is available within the SVG DOM. You can attach JavaScript event handlers to SVG graphics. In SVG, each drawn shape is remembered as an object. If attributes of an SVG object are changed, the browser can automatically re-render the shape. Canvas is rendered pixel by pixel. In Canvas, once the graphic is drawn, it is forgotten by the browser. If its position should be changed, the entire scene need to be redrawn. मतलब पूरा पूरा दोबारा से करना पड़ेगा आपको, including any object that might have been covered by the graphic. So comparison of SVG and Canvas, the table below shows some important differences between Canvas and SVG. So SVG क्या resolution independent, यानी कितना भी zoom in करो zoom out करो no pixelation, ये dependent है। देखा था ना blur हो गया था zoom करते ही, तो जिस size पे बनाओगे उसी size पर सही दिखाई देगा। सपोर्ट फॉर इवेंट हैंडलर्स, इसके अंदर कोई इवेंट हैंडलर काम नहीं करते जावास्क्रिप्ट के। गुड टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ है इसके पास पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ है। जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ड जूम किया फट गया, इसमें लिखा हमने एसवीजी एकदम क्लियर आ रहा है, देखो यहाँ पर है ना। स्लो रेंडरिंग इफ कॉम्प्लेक्स, अगर ग्राफिक आपकी बहुत जटिल है मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर नोट्स होंगे तो रेंडरिंग स्लो हो जाएगी, इसमें ऐसा नहीं होगा। यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज पीएनजी और जेपीजी, नॉट सूटेड फॉर गेम एप्लीकेशंस। और जो ब्राउजर बेस्ड जितने भी गेम होते हैं जो आप किसी बिना इंस्टॉल करे ब्राउजर में चल जाते हैं, उसके लिए कैनवस का यूज़ होता है। सो वेल सूटेड फॉर ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स, जैसे एग्जाम्पल आपका नेट भाग जाता है, आप देखते हैं आपका ड्रैगन वाला गेम चालू हो जाता है आपके ब्राउजर में, वह आपका कैनवस का कमाल है। लेकिन अगर उसको जूम करोगे तो पिक्सलेट हो जाता है वो, ये चीज़। तो ये था आपका SVG।
नेक्स्ट हम लोग जंप करेंगे एचटीएमएल में, मीडिया फाइल हमने यहाँ पर बनाई होगी, इस पर आ जाते हैं। तो इसकी हम लोग फाइल बना रहे थे, अभी हमारी बनी नहीं है, तो डेटा हमारा लाइव होगा, हम वहाँ से उठा लेते हैं। कहाँ पर मिलना चाहिए, यहाँ से MWF क्लास वर्क TTS, हमारा बैच चलता है मॉर्निंग 9 to 10:30, और जून जुलाई, जुलाई में होना चाहिए कहीं पर। HTML मीडिया, HTML मीडिया, और ये मैटर लाके हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। चलिए तो मीडिया की बात करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, जूम आउट करेंगे, HTML मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया ऑन द वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एंड एनिमेशन। व्हाट इज मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन हियर और सी, लाइक इमेज, म्यूजिक, साउंड, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, फिल्म, animations and more. Web pages often contain multimedia elements of different types and formats. बात करते हैं browser support. The first web browser had support for text only, limited to a single font in a single color. Later comes browsers with support for colors, fonts, images and multimedia. बात करते हैं multimedia formats की. So multimedia elements like audio or video are stored in media files. The most common way to discover the type of a file is to look at the file extension. Multimedia files have formats and different extensions like WAV, MP3, MP4, WMV and AVI. So baat karte hain common video formats ki. There are many video format out there. The MP4, WAVM and org formats are supported by HTML. एक मिनट दीजिएगा भाई, कॉल आ रही है। वीडियो को पॉज करते हैं, सॉरी रिज्यूम करते हैं और आगे देखते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मेट्स की कि कौन कौन से हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं। तो फॉर्मेट, फाइल एंड डिस्क्रिप्शन। सो टेबल को थोड़ा सा स्टाइलिश कर देते हैं यहाँ पर जाके, यहाँ से करेंगे इसको हम लोग कट, कट नहीं करेंगे हम यहाँ से, पूरा TR TD अलग कर देते हैं। ये दिखाई दे रहा है, टी हेड एंड टी बॉडी, ये पूरा पार्ट कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे VS5 टेबल डिफॉल्ट, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राइप कंट्रोल एस, और टी हेड से लेके टी बॉडी तक का पूरा मैटर रिमूव, और यहाँ करेंगे रीलोड, और पेज को चेक करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर अगेन। क्या चक्कर है, क्या गड़बड़ है भाई, ज़रा चेक करके आइए डेटा के अंदर। अच्छा गलत जगह चेंज किया हमने, कोई बात नहीं, इसको भी बदलो। तो चेंज हो गया। तो यहाँ देखेंगे फॉर्मेट का नेम क्या है, MPEG, जिसको एक्सटेंशन बनता है MPG और MPEG। सो MPEG जो एक्सटेंशन होता है, ये डेवलप किया गया था बाय द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, द फर्स्ट पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट ऑन द वेब, नॉट सपोर्टेड एनीमोर इन HTML। पहले होता था, मॉडर्न में अब नहीं चलता है।
नेक्स्ट क्या होता है AVI, AVI स्टैंड फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीप, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, कॉमनली यूज इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स. WMB, विंडो मीडिया वीडियो, डेवलप्ड बाय अगेन माइक्रोसॉफ्ट, कॉमनली यूज इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स. नेक्स्ट इज क्विक टाइम, डेवलप्ड बाय एप्पल, कॉमनली यूज इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन एप्पल कंप्यूटर्स बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स. नेक्स्ट है रियल वीडियो, जिसको हम लोग लिखते हैं RM या RAM. रियल वीडियो डेवलप्ड बाय रियल मीडिया टू अलाउ वीडियो स्ट्रीमिंग विद लो बैंडविड्थ, डज नॉट प्ले इन वेब ब्राउजर्स. नेक्स्ट है फ्लैश, SWF, और इसकी एक फाइल और बनती है FLV, फ्लैश वीडियो. फ्लैश डेवलप्ड बाय मैक्रोमीडिया ऑफन रिक्वायर एन एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट प्लग इन टू प्ले इन वेब ब्राउजर्स. अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है 2019 के बाद से, SWF फाइल ब्राउजर में प्ले नहीं होती है अब. नेक्स्ट इज ऑग, इसको डेवलप किया था थ्योरा ऑग ने, और डेवलप्ड बाय द ZIMP और फाउंडेशन, सपोर्टेड बाय HTML, ये चलता है. WebM डेवलप्ड बाय मोज़िला, ओपेरा, अडोबी एंड गूगल, सपोर्टेड बाय HTML. तो WebM, जैसा आप वेब पिक्चर डाउनलोड करते हैं वैसे ही WebM भी होता है मीडिया. वेब पी मतलब वेब पिक्चर, WebM मतलब वेब मीडिया. MPEG-4 एंड MP4 डेवलप्ड बाय द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, commonly used in video cameras and TV hardware, supported by all major web browsers and recommended by YouTube. So only MP4, WebM and OGG videos are supported by the HTML standard, जो हमने इतनी बड़ी लिस्ट देखी है उसके अंदर. बट आपको सभी वीडियो फॉर्मेट पता चल गए कौन कौन से वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, राइट. बात करते हैं इसी तरह से कॉमन ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स की, कि कौन कौन से हमारे ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं. So MP3 is the best format for compressed recorded music. The term MP3 has become synonymous with digital music. If your website is about recorded music, MP3 is the choice. जैसे कि जियो की हो गई आपकी, स्पॉटिफाई हो गया, सावन हो गया, गामा गाना हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, इन सभी के ऊपर MP3 चलता है. सो पुराने दौर की अगर बात की जाए तो पहले चलता था एक एक्सटेंशन विच इज़ MIDI, जिसको मिड या मिडी पूरा लिखते थे. मिडी का मतलब होता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मेन फॉर्मेट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डिवाइसेस लाइक सिंथनाइजर्स एंड PC साउंड रिकॉर्ड्स. मिडी फाइल्स डू नॉट कंटेन साउंड बट डिजिटल नोट्स दैट कैन बी प्लेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेज वेल ऑन ऑल कंप्यूटर्स एंड म्यूजिक हार्डवेयर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स. सो मिडी का एग्जाम्पल बताता हूँ. अगर तुम्हें पुराने टाइम का याद हो, पहले नोकिया के फ़ोन आते थे तो उसमें कंपोजर होता था, हम कोड डाल डाल के स्टोन बनाते थे, फिर वो बड़ी तेज़ बजती थी, है ना. तो वो मिडी का ही कमाल था, ठीक है. पहले रिंगटोन सिंगटोन तो होती नहीं थी, पहले कंपोजर से टोन बनाई जाती थी, वो मिडी होती थी. सो रियल ऑडियो अगेन, सो जैसे वीडियो में था आपका RM, ऐसी ऑडियो में भी होता है. रियल ऑडियो डेवलप्ड बाय रियल मीडिया टू अलाउ स्ट्रीमिंग ऑफ ऑडियो विद लो बैंडविड्थ, डज नॉट प्ले इन वेब ब्राउजर्स. WMA मतलब विंडो मीडिया ऑडियो, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स. AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, डेवलप्ड बाय एप्पल एज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर iTunes, प्लेज वेल ऑन एप्पल कंप्यूटर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स. WAV डेवलप्ड बाय IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट, प्लेज वेल ऑन विंडोज एंड Macintosh एंड Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोर्टेड बाय HTML, चलता है ये. ऑग थ्योरा ऑग डेवलप्ड बाय the ZIMP.org foundation, supported by HTML. MP3 file are actually the sound part of MPEG file. MP3 is the most popular format for music players, combines good compression, small files with high quality, supported by all web browsers. MP4 bhi audio ko carry karta hai. MP4 is a video format but can also be used for audio, supported by all web browsers. So only MP3, WAV, OGG, audio are supported by the HTML standard. So ये था आपका HTML में मल्टीमीडिया से रिलेटेड. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वीडियो कैसे कॉल होती है, ऑडियो कैसे कॉल होती है, यूट्यूब से वीडियो को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और मेरे ख्याल से आपका ये क्या चल रहा है, आज वेडनेसडे है ना, हाँ, तो इस मंथ में हमारी HTML ख़त्म हो जाएगी एकदम डिटेल इन डेप्थ, ठीक है. तो आज का हम लोग यहीं ओवर करते हैं.